तो आएगा प्रेमी सजनों, फिर से एक बात कहने का आदेश दिया और काफी देर से रागने की फरमाइश भी, जैसे कि अभी बड़ी बहन मनोज चौधरी जी ने बताया कि कुछ रागनियां ऐसी होती हैं चाहे उन्हें कितनी बार सुन लो, पर कहते हैं ना एक बड़े बुजुर्ग की कहावत भी है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। आइए एक रागनी हमारे हरियाणा के सूर्य कवि श्री पंडित लक्ष्मी चंद जी की लेखनी से रागनी लिखी हुई है प्रेमी सजनों, सभी कलाकारों ने गाई, आइए मैं भी आपके बीच में ये रागनी प्रस्तुत करती हूँ। सजनों ये रागनी श्रृंगार रस की रागनी आपके बीच में। एक बार पंडित लक्ष्मी चंद जी सजनों सांग करने चले गए, क्योंकि पहले सांग युवा करते थे प्रेमी सजनों। पंडित लक्ष्मी चंद जी सांग करने चले गए, जब सांग कर रहे थे तो सांग करते करते उनकी नजर एक चौबारी में जा पहुंचती है। उस चौबारी में से एक लड़की दादा का सांग देख रही होती है। पंडित लक्ष्मी चंद जी की नजर लड़की के ऊपर और उस लड़की की नजर दादा के सांग के ऊपर। प्रेमी सजनों उसी समय दादाजी अपना सांग थाम कर उस लड़की की सुंदरता का वर्णन कर देते हैं। चार कली के माध्यम से सजनों पंडित लक्ष्मी चंद जी ने तभी की तभी तुरंत रागनी बना दी। और क्या रागनी बना दी, एक एक बोल बड़े सुनने लायक, बड़े बुनने लायक। आइए किस प्रकार से क्या लिखा पंडित जी ने सुनेगा इस रागनी के माध्यम। रागनी रागनी शुरू होने से पहले हमारे श्री प्रकाश सुबेदार जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, प्रकाश सुबेदार जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप भी जरा 5 मिनट की रागनी है और बात भी औरतों के बारे में ही है, आपके और हमारी बारे में ही है। और जी ये रागनी मेरी भी बड़ी फेवरेट है, इसे मैं भी बड़े मन से बड़े दिल से गाती हूँ। रागनियाँ तो खैर सभी कलाकार सभी गाते हैं, परंतु कुछ रागनियाँ ऐसी होती हैं जो कलाकार बहुत ज्यादा मन से गाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा अजीज होती हैं कुछ रागनियाँ। मैडम मैं भी ना आपकी इस रागनी को कसम से बहुत ही मन से सुनता हूँ। आइए क्या बताया सुनेगा, आइए वीर सिंह जी। यूट्यूब पे कम से कम 2 बार मैं भी सुनता हूँ। अच्छा जी, अच्छा तू भी फैन हो गया। हाँ यूट्यूब पे सुनता हूँ 2 बार कम से। आइए कैसे साक्षात सुन ले। हाँ तो जाता किसी दिन दिव्या मैडम की सुनाऊंगा। और क्या लिखा, हो तेरी झांकी के मां गोला मारूं, ये बात पे मैं बाट गोपिया सण का ओ बंतीली, हेरा एक निशाना चुकण दुना छलिया बालक पड़े का, एक निशाना चुकण दुना छलिया बालक पड़े का, तेरी जाति के मां गोला मारूं बाट गोपिया सण का, एक निशाना चुकण दुना छलिया बालक पड़े का, एक निशाना चुकण दुना छलिया बालक पड़े का। बिल्लू मामा गोली मार के छोड़ो बिल्लू। कि तेरी झांकी के मां गोला मारू मैं बाट गोपिया सण का, अरे एक निशाना चुकण दू ना मैं छलिया बालक पण का। सजनों पहली कली के माध्यम से पंडित लक्ष्मी चंद जी ने उस लड़की की सुंदरता के बारे में वर्णन लिखा। सर के बाल से लेके पैर की उंगली तक एक एक बात क्यों कर लिख दी सुनेगा। ओ हो, गोली मार के,
लंबे लंबे केश हुर के, लंबे लंबे केश हुर के, चुकरी गंडा बटे रे पे, डूंगे ऊपर छोटी काली लटके नाग मुंडे रे पे, थोड़ी देर में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे, सब बाता ने भूल गया इब सांग करूंगा तेरे पे, सांग करूंगा तेरे पे, खास सपेरा तू नागण काली, खास सपेरा तू नागण काली, तेरा देख लू जैर फड़का, एक निशाना तू कर दू ना छड़िया बालक सजनों नंबर दो के माध्यम से पंडित जी यूं कहने लगे, ओहो बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी ही कमी रह रही थी 20 रुपए की, इनकी भी बहुत बहुत, तेरी सारी कमी पूरी करवा दूंगा, तू चिंता ना कर, बस इसमें ध्यान मगन रहे। श्री गोवर्धन सनोप श्री कमल सिंह जी 100 रुपए, मोनू सनोप श्री रामपाल 100 रुपए, सुभाष भाई भाणजा 100 रुपए, भाई बाबूलाल जी 50 रुपए, प्रकाश सूबेदार बबली, अच्छा ये अलग है, प्रकाश सूबेदार साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, है? और बबली साहब उनकी तरफ से भी 100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानी सज्जनों का। आइए मैडम आरसी जी, और नंबर दो में सज्जनों न्यू सोचने लगे पंडित लक्ष्मीचंद जी कि मैं जगह जगह जाकर कार्यक्रम करता हूँ, सांग करता हूँ, पर आज से पहले इतनी सुंदर वीर, इतनी सुंदर लड़की मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी, नहीं देखी, ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड से सुंदरी उतरकर धरती पर आ गई हो। सजनों नंबर दो के माध्यम से पंडित लक्ष्मीचंद जी ने सारी बात कह दी, सुंदरता के बारे में वर्णन कर दिया, पर सारी बात लिफाफे में बंद, पर्दे में कैद, नंबर दो में क्या लिखा दुना, 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 दुना
एम की श्रागनी पर 500 रुपए। भाई साहब, भाई सोनू यादव जी, भाई सोनू यादव जी की तरफ से 500 रुपए से मान सम्मान किया गया। भाई साहब का बार बार धन्यवाद। आइए मैडम। और सजनों, नंबर 3 के माध्यम से हाँ। पंडित लक्ष्मी चंद जी न्यू सोचने लगे, न्यू अपने संगीतकारों के से संदीप बागतों से ये बातें करने लगे कि अगर मैं कुआरा हूँ और देख कुआरी ये भी है, और सजनों यूं कहते हैं चोट तो बराबरी का है करता है। अभी मनोज जी यूं कह रही थी ना कि बुजुर्ग इंसान को तो शादी करनी नहीं चाहिए, अगर उसकी उम्र निकल जाए तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। ये हकीकत बात है सजनों, इसका एक रीजन, एक कारण ये भी है, अगर बेचारा वो बुड्ढा जवान उम्र की लड़की से शादी करेगा, इतने लड़की थोड़ी जवान होगी तो बुड्ढा ऊपर पहुंच लेगा, फिर वो लड़की नू की नुई रह जाएगी। नंबर 3 के माध्यम से लिखा और क्या बताया प्रमोद, न्यू कहने लगे हाँ बेनीवाल जी आप भी जरा सोच समझ के रहना। हेलो मैडम, हाँ 17 साल की उम्र थी, मैंने जब ही टंट घंट कर लिया था इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आगे का भरोसा नहीं। 17 साल की उम्र में ही अपना बैठा लिया था भयो, सही बात है। नेत्रपाल मात्र 11 साल का था जब शादी कर ली, बहुत अच्छी बात। हाँ नेत्रपाल 11 का, तो मैडम 4 की थी, 7 साल का डिफरेंस है। नंबर 3 के माध्यम से न्यू कहने लगे कि मैं भी कुआरा हूँ, देख कुआरी तू भी मुझे लग रही है, और तेरा मेरा जोट बैठ जाए तो क्या बात हो जाए। आइए नंबर 3 में क्या लिखा, अजीज रिश्तेदार जिन्होंने आज समय पे आकर के हमारा मान सम्मान किया, हौसला बढ़ाया, हमारी खुशी में शामिल हुए, आदरणीय श्री धनराज सिंह जी भांगरोला गुड़गावा, पहले भी बहुत ढेर सारा इनाम दिया है, और मैडम की इस रागनी से खुश होकर के 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, क्योंकि आज वो नाना है और जो बेटा हुआ है उसकी खुशी में 500 रुपए से सम्मान करते हैं। श्री करमबीर जी बिघाना से, श्री करमबीर जी विधाना से 100 रुपए का इनाम देकर के मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैडम। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं और बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। इस रागनी पे, इस रागनी की 3 कली किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, जरा 4th कली पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बताया आखिरी बात में पंडित लक्ष्मी
चंद जी ने पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया और आखिरी बात में बताया कि एक औरत की सुंदरता के बारे में बता दिया। आखिरी बात में कि एक औरत का रूप स्वरूप होना चाहिए तो किस प्रकार, किस ढाल का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आखिरी बात में क्या लिखा बता दे। काम से सिरसा चाटी और काम से सिरसा चाटी और चेला मान सिंह ब्राह्मण का एक निशाना चुकन दुरा बढ़िया बाल कुपन का झोंकी के गोड़ा मारू बाट में पिया का एक निशाना चुकन दुरा शाला चुकन दुना छलिया बालक पड़ी